आज हमारे बीच बात करने के लिए ऐसे शख्सियत हैं जो कि लोहिया नगर में 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और उनको सब विजेंदर सर के नाम से जानता है। उसके साथ साथ एबीवीपी प्लस दो विभाग के प्रमुख हैं, एक समस्तीपुर और बेगूसराय के। तो आइए इनसे जानते हैं, टीचिंग लाइन के साथ साथ ये विभाग प्रमुख बनना, एबीवीपी से जुड़ना, तो ऐसा क्यों किया और ये करके इनको क्या मिला और ये इससे क्या लाभ है, क्या सब कुछ जानते हैं इनके जुबानी हिंदी कहानी। उससे पहले जी नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों को केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। तो आइए आपको सक्सेस से मैं मिलवाती हूँ। नमस्कार सर। आपका भी नमस्कार, आपको भी नमस्ते और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और केवी स्टूडियो के एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि इतना अच्छा सेटअप तैयार किया, इतना अच्छा बेहतर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। साथ ही साथ ENT स्पेशलिस्ट रोशन सर का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने की एक अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत बेगूसराय में किया है। सर, हमारे दर्शक जो भी केवी स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को देख रहे हैं इस इंटरव्यू के दौरान, तो उसमें बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो आपको जानते होंगे क्योंकि 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 20 साल से सबके दिल में बसे हुए हैं, और बहुत बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो आपको नहीं भी जानते होंगे। तो सर, सबसे पहले उन दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र कुमार यहाँ 20 वर्षों से लोहिया नगर में रियल चैलेंजर इंग्लिश क्लासेस के नाम से अपना कोचिंग चला रहा हूँ, और साथ ही एक नई जवाबदेही मिली है, एक नया दायित्व मिला है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और अभी बेगूसराय और समस्तीपुर दो जिला का जो मुझे देखना है, हम दोनों जिला के अभी विभाग प्रमुख हैं। सर, आपने, आपके बारे में जैसा कि सुनने में आया, 20 साल से इंग्लिश पढ़ाते थे। जी तो सर, आप टीचिंग लाइन में कैसे हैं? टीचिंग लाइन मुझे जैसा लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइन है, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी टीचर के यहाँ जाना होता है, चाहे आप जहाँ पे जिस स्थिति में, आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्विसमैन हैं, या जिस हालात में हैं, जहाँ भी अगर आपको एजुकेशन लेना होता है तो आप एक शिक्षक के पास जाते हैं और वो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें लगा कि शिक्षक का पद, शिक्षक का पेशा, शिक्षक का कार्य पैसा के साथ साथ आपको एक समाज में जो रिस्पेक्ट देता है, आप इतना बड़ा रिस्पेक्ट किसी और पेशा में नहीं पा सकते। जैसा मुझे हो सकता है, लोगों का सोचने का नज़रिया अलग अलग हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, इस पर विरोधाभास भी लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है, शिक्षक एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसी जवाबदेही है कि इसमें आप पैसा भी कमा सकते हो और आप प्रतिष्ठा भी हासिल कर सकते हो, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना है। सर, आपने कब से स्टार्ट किया था? 2000 ईस्वी से मैंने शुरू किया है यहाँ बेगूसराय। मैं 1990 में मैट्रिक पास किया था। 1990 मैट्रिक पास करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल आना कहेंगे कि आप कब से इसको प्रोफेशन के रूप में ले लिए, कब से अपना ऑक्यूपेशन बना लिए, तो 2001 ईस्वी से मैंने बनाया इसको। सर, आपने जब स्टार्ट किया था तो स्टूडेंट का क्या था आपके प्रति राय विचार कि हाँ इसे पढ़ना चाहिए? नहीं, शुरू में तो जब हम यंग थे तो एनर्जी ज़्यादा थी, तो लोगों का, बच्चों का झुकाव जो था मेरे प्रति वो बहुत ज़्यादा था, और मुझे लगता था कि मैं जितना जानता हूँ, मैं कितना जानता हूँ वो डिबेट में नहीं करता था, मैं जितना जानता हूँ उतना बच्चों को हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, मैंने ये रखता था।
कि हमारे पास जो नॉलेज है, देखिए यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सारे विद्वान शिक्षक हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब मैं यहाँ इस मंच पर से किसी दूसरे शिक्षक के मेरिट पर, प्रतिभा पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूं, उतना बेहतर देने की एक कला होनी चाहिए शिक्षक का। यही सबसे बड़ा क्वालिटी है, सबसे बड़ा गुण यही है शिक्षक का। तो हमको जितना आता था, मुझे जितना पता है, मैं उतना पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ उस बच्चों में डालने का हमेशा काम किया है। सर, आप टीचिंग लाइन में क्यों आए? बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि इंसान में मैं ये करूं वो करूं, आप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? मैंने आपको शुरू में भी कहा कि पढ़ाना मेरी आदत में शामिल है। मैं जब 2001 से प्रोफेशनल हुआ, लेकिन 1990 में मैट्रिक पास करने के बाद ही मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने से जूनियर को। तो पढ़ाना मेरा शौक था, ये मेरी आदत थी, और शौक ही मेरा पेशा बन गया। अब बात रही कि कब से आप पढ़ना शुरू किए। मुख्यतः मैं बेगूसराय में जो शुरू किया वो 2001 ईस्वी से शुरू किया। मैं यहाँ आया था कंप्यूटर सीखने के लिए। तो कंप्यूटर सीखने के लिए जब मैं यहाँ आया, तो उस वक्त मेरे घर की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक रूप से। तो हमको लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मैंने ट्यूशन शुरू किया, कुछ कुछ कोचिंग वोचिंग में भी जा करके पढ़ाए, जैसे कि लोहिया नगर में एक बहुत अच्छी कोचिंग उस वक्त थी और अभी भी है, भारत कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। हम उसके फाउंडर टीचर हुआ करते थे, वहाँ से मैंने काम शुरू किया था। तो जा करके उसके बाद जब बच्चों का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया, तो मेरा यही प्रोफेशन हो गया और कंप्यूटर ही मेरा छूट गया। क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम कंप्यूटर से भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर से भी हम 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे, 20 हज़ार की नौकरी करेंगे। और अहमदाबाद में, हैदराबाद में अगर कोई आदमी 25 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो उससे बेहतर है कि यहाँ आप 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। तो सर, आपने इंग्लिश ही सब्जेक्ट क्यों चूज किया? नहीं, इंग्लिश तो सब्जेक्ट चूज करना ही था ना, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरा एक सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंग्लिश में हंसे, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में खाए, उनका एक सपना था। तो जब हम पटना में थे, ब्रिलियंट लिंगुआ सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे, तो पटना में क्या थे कि जब हम बैनर वगैरह देखते थे, पोस्टर्स वगैरह देखते थे, तो उसको पढ़ते थे और घर पे आकर के डिक्शनरी से हिंदी करते थे। अब तो जमाना चेंज हुआ, अब तो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि अब डिक्शनरी आउट ऑफ यूज हो गया। अब तो मोबाइल में डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया का जमाना है, तो सब कुछ मोबाइल में है। लेकिन उस वो जमाना था जब एक शब्द का अगर आपको मीनिंग नहीं आता है, तो आप घर आकर के उसको सर्च करते थे और तब उसको जाकर के कन्वर्ट करते थे। आप तो लोग मोबाइल में ही सर्च करके देख लेते हैं, जो काम घंटों का था वो काम अब सेकंड में हो रहा है। ये हमारा डेवलपमेंट है। तो हम इंग्लिश से ऑनर्स किए, इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट हुए, तो ऑटोमेटिकली हमको तो इंग्लिश ही, हमारा विषय ही इंग्लिश था, तो हमको तो इंग्लिश करना ही था। पटना बी एन कॉलेज में हमारी पढ़ाई हुई थी, तो हमको तो वही करना था, इंग्लिश से ही पढ़ाना था। ये अपवाद है कि बहुत सारे लोगों के पास पीजी करते हैं, किसी विषय से पढ़ा देते हैं, किसी भी, ये उनका मेरिट है, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। हमको लगा कि नहीं, हम इंग्लिश से अगर पीजी हैं तो मुझे इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश भाषा विषय के साथ साथ एक भाषा भी है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप जैसे आप चाइना में हैं, जैसे आप जापान में हो, जैसे आप अमेरिका में हैं, आप किसी देश में, तो किसी देश में है तो आपको एक इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जो आपको दूसरे से लिंक करवा सकती है। आप ट्रेड में जाना चाहते हैं, किसी कॉमर्स में जाना चाहते हैं, मतलब एनी फील्ड ऑफ लाइफ, आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है आज के जमाने में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंग्लिश मैन हो जाओ। इंग्लिश का नॉलेज होना और इंग्लिश मैन होना दोनों में फर्क है। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश कल्चर होना जरूरी नहीं है। इंग्लिश का नॉलेज आप इंडो इंडियन को पढ़िए ना, बहुत सारे हैं, जैसे आप ले लीजिए ये कमला दास को, बहुत सारे हैं, नाम नहीं गिन सकते आप, जो इंडिया के हैं और इंग्लिश भी कर रहे हैं। तो इंग्लिश का नॉलेज होना ठीक है। तो लगा कि नहीं, हमको इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक स्मार्ट लैंग्वेज है। आप भी देखते होंगे कि कहीं आदमी को इंग्लिश में बोलता है ना, तो आदमी खड़ा होकर के सुनता है, आप उसके बात को थोड़ा ये लेता है, मतलब एक इंप्रेशन है उसमें कि उसको इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश आती है, ये लग रहा था मुझे। तो मुझे भी लग रहा था कि हम भी अगर कुछ कहीं इंग्लिश में बोलेंगे, कहीं इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में कहीं जवाब देंगे, तो मेरा भी एक इंप्रेशन होगा। दैट्स व्हाई आई
आई सेलेक्टेड सर, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बहुत हार्ड होता है। मैं उन बच्चों को सलाह देता हूँ कि दुनिया का कोई विषय हार्ड नहीं है। जिस विषय से आपका इंटरेस्ट है वो विषय आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आप उन्हीं बच्चों को कहिए कि जब क्रिकेट का कमेंट्री होता है जो इंग्लिश में होता है वो सारे के सारे बात को क्यों समझ जाते हैं और कैसे समझ जाते हैं? क्यों? क्योंकि क्रिकेट से बच्चों को इंटरेस्ट है। क्रिकेट से बच्चों को इंटरेस्ट है तो एक एक भाषा और एक एक बात समझ में आती है। विराट कोहली ने कितना बनाया, बुमराह ने कितना विकेट लिया, वो तुरंत बात समझ जाता है जबकि इंग्लिश में बोल रहा है वहां भी आप, तो उसकी उसकी अंग्रेजी अलग नहीं है, उसकी अंग्रेजी भी वही है लेकिन वो समझ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां हमारा मतलब हमारे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मैं अपने बच्चों को यह सलाह देता हूं इस मंच पर से कि दुनिया का कोई विषय भारी नहीं है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आप कुछ नहीं, केवल सेल्फ स्टडी करिए, नॉवेल पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज सुनिए, न्यूज पेपर पढ़िए, ये रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश कहीं से भारी लगेगा तो आपको मैं यहां से मोबाइल नंबर सार्वजनिक करता हूं, मैं यहां से आपको मोटिवेट कर दूंगा, जहां कहिएगा वहां आकर के मोटिवेट कर देंगे, इंग्लिश सीखने का रास्ता बता देंगे, एक रुपया उसका कोई फीस नहीं लेंगे। ये सब बातें हम यहां से करते हैं। सर फोन नंबर मेंशन कर दीजिए। 9431425649 ये मेरा, एक बार फिर से सुन लीजिए, 9431425649 ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको कहीं से कठिनाई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस नंबर पे आप पढ़ाई शुरू कर दोगे, मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं मार्गदर्शन शुरू कर दूंगा कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इंग्लिश कैसे कॉम्पिटिटिव को सीख सकते हैं, आप कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, मैं आपको रास्ता जरूर बता। सर आपका जो 20 साल का जर्नी रहा था जिसमें आपने सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में ट्रेन किया है, पूरे बेगूसराय आपको अच्छे से जानता है विजेंद्र सर के नाम से, तो इस 20 साल का जर्नी बताना बहुत टफ रहा, बहुत टफ रहेगा क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, 20 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है, तो इसको शॉर्ट में बता सकते हैं? स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से सपोर्ट मिला था फैमिली बच्चे की तरफ से ताकि आपको लगा कि मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ? मैं पहले सपोर्ट से पहले मैं एक बात यहाँ से कहना चाहूँगा, स्थिति क्या है कि ज्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड में हैं और बिहार बोर्ड के बच्चों का अंग्रेजी निश्चित रूप से थोड़ा पुअर हो जाता है, बिहार बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। मैं आपके इस केवी स्टूडियो के मंच के माध्यम से बिहार की सरकार को एक बात निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस तरह क्लास ये जिस तरह सीबीएसई में क्लास 1 से अंग्रेजी अनिवार्य है, इंग्लिश अनिवार्य है, कंपलसरी है, आप एक बार क्लास 1 से इंग्लिश को अनिवार्य करके दिखा दीजिए। यहाँ के बच्चे में इतनी प्रतिभा है, बिहार के बच्चे में इतनी मेरिट है, कूट कूट कर मेरिट भरा हुआ है, डेफिनेटली वो बच्चे इंग्लिश में टॉपर होंगे। तो आप जब स्टार्ट किए थे बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग 2000 से आपने स्टार्ट किया, तो उस समय आपको किस तरीके से बच्चे और उसके फैमिली जो होते हैं मम्मी पापा उससे कैसे सपोर्ट मिला जाता ताकि आपको लगा कि मैं भी एक इंग्लिश का कोचिंग खोल सकूं? नहीं, बच्चों का जो सपोर्ट था, बच्चों बिहार में बच्चों को सीखने की ललक बहुत ज्यादा है, यहाँ के बच्चे जो हैं सकारात्मक बहुत है। क्या कि यहाँ का रिजल्ट इसलिए बढ़िया नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले आपने जो सवाल किया मैं उस सवाल पर जवाब दे लेता हूँ, तब बाद में इसकी चर्चा करूंगा। आपने कहा कि बच्चों का सपोर्ट कैसा रहा और गार्जियन का सपोर्ट कैसा रहा, मैं उसकी मैंने उन सपोर्ट को उन सहारा को मैं शब्दों में नहीं गिना सकता हूँ, उसकी माला नहीं बन सकती है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों ने किया है, मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह मिला है बेगूसराय से, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट बच्चों ने दिया है। मैं इस मंच से आपको बताता हूँ, आप अभी चलो मेरे साथ, आप अभी चलिए देख लीजिए, आप मेरे साथ चल करके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पीओ के पद पर है वो हमारे स्टूडेंट है। पुणे में एक लोहिया नगर की ही लड़की जो है वो बैंक ऑफ ये सेंट्रल बैंक में अभी काम कर रही है, कम से कम 25-30 मेरे नजर में है, बाहर कितने फिगर हैं उसको नहीं गिन सकते हो, 25-30 बैंक में जॉब कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट। आपको क्या बताऊं, मेरे स्टूडेंट यहाँ ऐसे हैं, गर्व होता है मुझे इस मंच पर बैठा, मैं गौरवान्वित तो हूँ कि मेरे स्टूडेंट यहाँ यहाँ पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है।
कम से कम 20 टीचर जो आपके स्टूडियो में भी आए होंगे, 20 टीचर जो आपके स्टूडियो में भी आए होंगे वो हमारे स्टूडेंट रहे होंगे, और मुझे गर्व होता है इस बात का, और मैं अपने आप पर प्राउड फील करता हूं कि मैंने भी कुछ इस शहर को दिया है, और जो मैंने लिया है इस शहर से, जो प्यार, जो भावना, जो सहानुभूति, जो संस्कार, जो यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं उसको शब्दों में नहीं रख सकता हूँ। मैं उस 20 साल का मेहनत रहा, हाँ मैं अभिभूत हूँ उससे। तो सर ये रहा आपका 20 साल का जर्नी, जो कि आप देखते हैं कभी बैंक ऑफ बड़ौदा, कभी सेंट्रल बैंक में, तो आपको लगता होगा कि जी मैंने जैनम में 20 साल मेहनत किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं, और बिल्कुल मजा आता है, सीना 56 इंची का हो जाता है जब हम अपने बच्चों को हम अपने सामने जॉब पर देखते हैं, टेबल पर देखते हैं, चेयर पर देखते हैं, और मैं किसी फाइल को लेकर के या किसी पेपर को लेकर के उसके सामने जाता हूँ, और बड़ा गर्व से बोलता हूँ इसको करने में बहुत बहुत ज्यादा। सर ये तो रहा आपका टीचिंग लाइन का जर्नी, आप ये एबीवीपी से कैसे जुड़ गए? क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी एक शैक्षणिक परिषद है, एक शैक्षणिक संगठन है, और यहाँ कोई पॉलिटिकल, हम लोग राजनीतिक विचारों से तालमेल रख सकते हैं, पर हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम किसी दलगत राजनीति नहीं कर सकते किसी के साथ। आप यह देखते होंगे कि जब हमारा कार्यक्रम चलता है, चाहे वो जिला लेवल का कार्यक्रम हो कि एक आपको प्रदेश लेवल का कार्यक्रम हो कि देश लेवल का कार्यक्रम हो, जब वो कार्यक्रम चलता है ना, तो हमारे बैनर पर केवल दो लोगों का लोगो लगता है, एक हमारे युवा, ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, और दूसरा भारत माता। और नारा भी जो जय घोष होता है वो दो तीन ही नारे जय घोष हो सकते हैं, जैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही सब नारा जय घोष हो सकता है। हम कभी भी, आप लोगों को लगता है कि ये संगठन जो है ये भाजपा का विंश है, ये लोगों को लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भाजपा अस्तित्व में नहीं थी तो विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ था, भाजपा अस्तित्व में नहीं थी उस वक्त, और उस वक्त विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ था। तो हम बहुत पुराने छात्र संगठन हैं। अब आपके मन में एक बात आएगा कि आपने विद्यार्थी परिषद को ही क्यों चुना? मैंने विद्यार्थी परिषद को इसलिए चुना था क्योंकि ये अकेला राष्ट्रवाद का संगठन है, अकेला राष्ट्रवाद का नारा है, यहाँ हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, कोई हमारे बैनर पर कोई पॉलिटिक्स के लोग नहीं आते हैं। जब हमारा जब कार्यक्रम चलते रहता है, आपको ये सुनकर के ताजुब होगा कि जब हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा तो इस मंच पर एबीवीपी के जिला प्रमुख बैठेंगे, नगर अध्यक्ष बैठ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठ, मतलब इसके कार्यकर्ता बैठ सकते हैं, और उस कार्यक्रम में अगर देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे तो वो दर्शक की कतार में, वो मंच पर नहीं आए जब तक कि हम उनको नहीं बुलाए। मतलब ये एक गरिमा है इस संगठन का, और देश नहीं ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, अनेकों देश में भिन्न भिन्न नामों से यह काम करने वाला छात्र संगठन है, और मैंने इसलिए इसको चुना है। इस मंच से जो छात्र छात्राएं अभी देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर उनको आपसे काम पड़े तो वो आपसे कैसे काम, मतलब कॉलेज के लिए? आपको बता दें हर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का मे आई हेल्प यू का काउंटर लगता है, हर कॉलेज में आप वहां जाइए, विद्यार्थी परिषद का वहां लड़का बैठा हुआ मिलेगा आप उसके। मैं आपको एक चीज और यहां से अश्योर कर देता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता को आप उसके संस्कार को देख करके पता कर लीजिएगा कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, और आप उसको अपना आवेदन दीजिए। काम नहीं होता है तो मैंने जो मोबाइल नंबर दिया है आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लीजिए, मैं वहां के कार्यकर्ता को बोल दूंगा, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम जेन्युइन होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी परिषद में जुड़ने का यह मतलब नहीं कि आप कहेंगे कि सर सो ऐसा करिए कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, ज्यादातर पैरवी ऐसे ही आते हैं, ज्यादातर पैरवी आता है कि सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है एडमिशन करा दीजिए। विद्यार्थी परिषद को आप एडमिशन से नहीं जोड़िए, विद्यार्थी परिषद को आप रजिस्ट्रेशन से नहीं जोड़िए, ये बहुत बड़ी संगठन है। अगर हम आपका एडमिशन करा देते हैं पैरवी करा करके, तो निश्चित रूप से हम एक प्रतिभा को मार पाएंगे। तो अगर आपका काम जेन्यून है, ऑथेंटिक काम है, और आपको परेशानी हो रही है, तो आप वहां के कार्यकर्ता से एक बार जाकर के मिलिए और काम आपका होगा। तो ये छात्र छात्राओं को किस तरीके से मदद करता है ये जो भी काम, जैसे
आप कॉलेज जाए, कॉलेज में देखेंगे कि वहां जो काम हो रहा है अभी भी बहुत सारे गलत मतलब ये हैं, कमियां हैं। होता क्या है कि बच्चे जो है एक एडमिट कार्ड निकाले हैं, प्रिंसिपल से साइन कराना है, यहाँ के बच्चों को प्रिंसिपल से मिलने में डर लगता है। यहाँ के बच्चे प्रिंसिपल से मिलते हैं उसको लगता है हम डीएम से मिल रहे हैं, वास्तव में कॉलेज के डीएम अगर कोई है कॉलेज का तो वो प्रिंसिपल ही। लेकिन हमारा अधिकार भी तो है कि हम अपने प्राचार्य के पास जाए, प्रणाम करके जो संस्कार हमारा है प्रणाम करके हम अपनी आवेदन तो बढ़ाएं। लेकिन यहाँ के बच्चों को डर लगता है, तो हमारा कार्यकर्ता वहां होता है और वो वहां से आपको ये सिग्नेचर करा करके स्टाम्प लगवा करके वो आपको बाहर तक ला करके दे देगा और आप संतुष्ट होकर के आएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप एक बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को कोई काम दे करके देखिए और आप अगर पूर्णतः 100 नहीं 110% अगर आप संतुष्ट होकर के नहीं आए तब तब लगेगा कि मैं दोषी हूं, तब लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से मिलकर। सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो छात्र छात्राएं अभी देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? इस मैं दो भूमिका में हूं, एक आपने कहा कि आप छात्र संगठन की भूमिका में हैं, एक आपने कहा कि एक शिक्षक की भूमिका में है। मैं दो भूमिका में हूं। सबसे पहले मैं एक शिक्षक की भूमिका में अपने छात्र छात्राओं को, अपने नहीं बल्कि जिला के छात्र छात्राओं को एक सुझाव देता हूं कि जिस चैप्टर की पढ़ाई आप जहां कहीं भी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं वो विद्वान शिक्षक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा आता है तब तो आप वहां पढ़ने गए, तो निश्चित रूप से वो विद्वान शिक्षक है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं इस पर कोई बहस नहीं, आप उनसे जो भी पढ़ाई हो रही है साथ ही साथ आप अपना टेक्स्ट बुक, यहाँ क्या है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ने का मतलब संस्कार नहीं, यहाँ के बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते, यहाँ के बच्चे जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं लोग उतना ही पढ़ के चले आते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप टेक्स्ट बुक उठाइए, एनसीईआरटी की बुक उठाइए या आपको जो बुक पसंद है उस बुक को उठाइए और एक चैप्टर को आप कम से कम 10 बार पढ़िए, 10 बार आप एक ही चैप्टर को रिवाइज करिए, गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आपको अंदर से एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आपको लगेगा कि मैं जानता हूं, और तब जब सर आपको वह टॉपिक पढ़ाएंगे फिर क्लास में आपको इतना इंटरेस्ट होगा, इतना मजा आएगा कि आप आने वाले समय में लगेगा कि ये टॉपिक मैंने ही बनाया, मेरा ही है टॉपिक, यह आपको अपना जैसा लगेगा। तो मैं अपने छात्र छात्राओं को और पूरे जिला के छात्र छात्राओं को इस मंच के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि आप स्वाध्याय करिए, लक्ष्य बनाइए। अरे साहिल पर जाना किसे अच्छा नहीं लगता, साहिल पर जाना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। आप तूफानों से लड़ करके जाइए ना, मेहनत करके जाइए ना, आप मेहनत करके वहां पहुंचिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि स्वाध्याय से बढ़ करके दुनिया की कोई ताकत नहीं बढ़ी है, मतलब सेल्फ स्टडी इज द पावरफुल की टू सक्सेस, ये सबसे शक्तिशाली चाबी है सफलता के लिए। तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप स्वाध्याय करिए, एक एक टॉपिक को 10-10 बार पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। और मैंने आपको बताया है कि मैं अपने छात्रों को एक लाइन में, अब लास्ट करता हूं, एक लाइन में सुझाव देता हूं कि मंजिल से आगे जाकर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे जाकर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है हर शीशा पत्थर के चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए जरा वो शीशा तलाश कर। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप घिसोगे नहीं, जब तक आप तपोगे नहीं, सूर्य तपता है तो रोशनी देता है। आप मेहंदी को देख लीजिए, हिना को देख लीजिए, मेहंदी को देख लीजिए, मेहंदी पत्थर पर घिसती है तब रंग देती है। अगर उस पत्ता को आप हाथ पर दिन भर लेकर के घूमते रहिए आपका हाथ लाल नहीं होगा, जब तक कि आप उसको पत्थरों पर रगड़ेंगे नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, जब तक वह पत्थर पर नहीं घिसेगा, जब तक आप तपिश में जलेंगे नहीं,
जब तक आप साधन पढ़ाई साधन का चीज नहीं है, आपके पास अच्छे कार हो जाएंगे, अच्छे बगला हो जाएंगे, अच्छे किताब हो जाएंगे, आप पढ़ लेंगे, सो बात नहीं है। पढ़ाई साधन का चीज नहीं है, पढ़ाई साधना की चीज है, ये तपस्या की चीज है। ये मैंने अपने छात्रों को कहा। अब आता हूं छात्र संगठन पर। छात्र संगठन में मैं यह लोगों को सलाह देता हूं, यह एक ऐसा छात्र संगठन है जो आपके एक एक कार्य को बखूबी करने का हिम्मत रखती है। आपको जहां दिक्कत हो, आप कॉलेज में, हर कॉलेज में हमारा अध्यक्ष है, हर कॉलेज में हमारा कॉलेज मंत्री है, आप उससे मिलिए, आप किसी को पूछिएगा जीडी कॉलेज में, कोऑपरेटिव कॉलेज में, मझौल आरसीएस में, एपीएसएम बरौनी में, कि भाई विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन है, कोई बता देगा। आप एक बार कहिएगा कि विजेंद्र सर भेजे हैं, या जिला प्रमुख भेजे, या मिलन सर भेजे, कोई कोई नाम, विद्यार्थी परिषद का कोई चेहरा का नाम बोल दीजिएगा, जरा सा ये काम भैया मेरा है, करवा दीजिए। लेकिन काम ऑथेंटिक होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काम गलत नहीं होना चाहिए। आप एक बार ले जाकर के जाइए, और अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर कहिए। सर, केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा? मैं शब्दों में नहीं कहूंगा, मैं शब्दों में नहीं कहूंगा, क्योंकि जितना कहूंगा वो कम होगा, क्योंकि केवी स्टूडियो आज बेगूसराय का इतना लोकप्रिय स्टूडियो बन चुका है कि जब हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो कुछ ना कुछ केवी स्टूडियो का ही न्यूज आते रहता है। तो केवी स्टूडियो जो आज है, और मैं केवी स्टूडियो के भी उज्जवल भविष्य की कामना यहां से करता हूं।